Hey, welcome back to your favorite show. और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा। बताइए, आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपुन बापू का बहुत बड़ा फैन है। क्या आदमी था वो? अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उनका। वाट नहीं, दुर्गति, दुर्गति। What a man, class है। ये साड़ा मुन्ना तो नहीं है? हाँ जी, वाज बढ़ा दे। पर क्या आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे? बिल्कुल नहीं, आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राई डे रखते। अगर ड्राई डे नहीं भी होना तो भी अपन दारू को हाथ नहीं लगाते। नो जोक सपाट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर। मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं? टोटल, अपन क्या एक बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है। यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल। और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं। जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना। आप कभी झूठ नहीं बोलते? You never lie? एक टाइम बोला था 92 में, क्या कि एक बच्चे का अटन्नी खो गया था, बहुत रो रहा था, अपुन ने उसको अपना अटन्नी दिया और बोला कि तेरा है, रख ले। मेरी गल नोट कर, ये पॉलिटिक्स में जा रहा है। अच्छा, आप करते क्या हैं? अपुन प्रोफेसर है। प्रोफेसर? हाँ, बच्चों को इतिहास सिखाता ना। आई मीन, पर आपकी भाषा। अब क्या करेगा, अखे कंट्री की भाषा की वाट मतलब के दुर्गति हो गई लिए। प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया है, तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आ गया है। यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए? करेक्ट, इसलिए अपने क्लास में सब फर्स्ट आता है, साला सेकंड कोई आता ही नहीं है। वेल, अपन भी आज से ऐसे ही बोलेगा। बोले तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को कौन सा सॉन्ग सुनाने का है मामू? कोई भी मस्त आइटम नंबर।